मतलब बिल्कुल ये घर नहीं गिरा, बाकी वो देखो आगे से तो ऐसा नजर आता है ये नीचे से ना, फुल है ये पूरा का पूरा, मतलब पूरा स्टील टूट। तो ये धार चूल्हा। तो हेलो वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, बहुत ही ख़तरनाक सी चीज़ है। अभी हम हैं मेरे घर से थोड़ा नीचे को, और यहाँ पे आ रही है अभी तक की सबसे बड़ी लैंडस्लाइड। तो ये देख लीजिए ना, पूरा वो जो घर दिख रहा है ना, इस घर के सामने से ये पूरा मतलब ऊपर को था वो घर के सामने तक, और वहाँ से पूरी ज़मीन बैठी है, उसके नीचे का पूरा जगह खाली हो चुका है। और पूरा का पूरा, एक मूवी आई थी ना सन 2012 करके, सन 2012-13 में आई थी, तो उसमें एक सीन था कि जब पृथ्वी कोलैप्स होती है, मतलब जब पृथ्वी का अंत होता है, तो पूरी की पूरी पृथ्वी एकदम से धंसने लग जाती है। तो सेम ऐसा ही वो देख लो, कितना ऊंचा है वो देख लो, कहाँ से मतलब यहाँ तक, पूरा यहाँ से मतलब एक पूरा लैंड का पार्ट कट के सेपरेट हो चुका है। अब यहाँ से लगेंगी दीवार, बाकी ये है मार्केट, और मार्केट के सीधा ऊपर यहाँ से मतलब जो बड़े बड़े चट्टानें निकली ना, तो वो सब नीचे ही पहुँची। जिसके भी घर थे यहाँ, दो चार घर ऐसे जा चुके हैं। ये देखो आप मलबा देख सकते हो, यहाँ भी मलबा देख सकते हो। और अभी यहाँ पे जेसीबी ने मतलब स्टेप्स बना रखे हैं, बाकी फिर इसमें वॉल पड़ेगी, और वॉल पड़ने का एक फुली सपोर्ट, मतलब इतना इनको इतनी बड़ी दीवार देनी पड़ेगी ना, इतनी पूरी से पूरे इलाके को एकदम सपोर्ट देने के लिए। तो वही चल रहा है अभी, ये लोग मतलब ग्राउंड में वाटर लेवल भी चेक कर रहे थे। तो देखो ना दोस्तों, ऊपर से घर के पूरा मलबा इधर पहुंचा हुआ है, पूरा का पूरा अलग हो चुका है यहाँ से। और अपन भी अब यहीं से नीचे को चल लेते हैं, और यहाँ से नीचे को कुछ ऐसा दिखता है। तो यहाँ पे से मतलब जेसीबी ने पूरे स्टेप्स बना रखे हैं, तो इन स्टेप्स पे पड़ेंगी आपकी बड़ी बड़ी दीवारें इसको सपोर्ट करने के लिए। ऊपर से एक सपोर्ट, फिर नीचे एक सपोर्ट, फिर इसके नीचे एक और सपोर्ट। आइए नीचे से यहाँ से थोड़ा सा देखते हैं। तो ये देख लो ना दोस्तों, ये पूरा का पूरा यहाँ से पूरा पूरा मार्केट तक ही मलबा जाता है, पूरा मार्केट तक। जो बड़े बड़े बोल्डर्स थे ना, वो जो आपको बिल्डिंग दिख रही है यहाँ पे, इसके इधर साइड को राइट में घर थे, तो पूरी पूरे के पूरे घर जा चुके हैं। और जो आपको नीचे दिख रहे होंगे ना, बिल्कुल यहाँ पे इस डैक इसके नीचे, ये पूरा इलाका बरसात के टाइम पर खाली हो जाता है, क्योंकि बहुत स्केरी सा हो जाता है ना कि बड़े बड़े बोल्डर्स यहाँ से निकल रहे हैं, और यहाँ से मतलब पानी ऐसे बहता है कि जैसे कोई छोटा मोटा नाला होगा। और यहाँ पे इन लोगों ने मशीन लगा रखी है, ये मशीन यूज़ होती है वाटर में, ग्राउंड में वाटर लेवल चेक करने के लिए, और चल रहा है बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। पिछली बरसात में ये लोग कुछ नहीं कर पाए थे। और यहाँ पे ये घर देख लीजिए ना दोस्तों, इफ पॉसिबल, ये देखो ये छत पर पूरा एक तरफ से घर दब चुका है, छत पर पत्थर पड़े हैं। उस साइड के लोग भी ऐसे ही स्केरी सी सिचुएशन में रह रहे हैं, इतना स्केरी सा है, मतलब बिल्कुल ये घर नहीं गिरा, बाकी वो देखो आगे से पूरा का पूरा जितना भी आगे से इसका लैंड था ना, सब कोलैप्स, मतलब एकदम से दब चुका है, पूरी ज़मीन दब चुकी है। और शायद इसका रीज़न रहा होगा, जहाँ पे आपको वो उधर पे एक जेसीबी दिख रही है ना, हाँ, तो यहाँ पे दो वाटर टैंक्स थे बहुत बड़े बड़े से, तो टाइम के साथ साथ वो शायद लीक हुए और ग्राउंड ने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया, तो इस वजह से अंदर के जितने भी मिट्टी थी सॉफ्ट होने के कारण पत्थरों के नीचे से निकल गई। हाँ, तो ये धार चूल्हा पूरा इधर को नदी की साइड, और उस साइड को पूरा नेपाल, बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, मशीनें भी लगा रखी इन लोगों ने बहुत सारी। से आगे को देखते हैं, मतलब बहुत ही अपन बहुत प्यार से चलेगा दोस्त, कोई जल्दी नहीं। बाकी ये जो इलाका था ना, बड़े बड़े चट्टान थे यहाँ पे पूरे के पूरे, अब वो सारे के सारे निकल चुके हैं सर से, आप ये देख सकते हो ना।
ये देखो ना, पूरे के पूरे इतने बड़े बड़े ऐसे बोल्डर्स हैं, मतलब ये पूरा बोल्डर ही है यार ना। ये पूरा यहाँ से लेकर वो नीचे तक अगर आप लोग देख सको, दरार पड़ी हुई दिख रही ना, ये सारे बोल्डर्स निकलने वाले। और वो सामने वाले घर पे देख सकते हो आप लोग, है ना, सामने पे। ये देखो ये पत्थरों से लग लग के ना सब कुछ टूट रखा है। और फिर ये वाले बोल्डर्स भी हैं, और अपना घर ठीक इसके ऊपर पड़ता है। मतलब हम हमको भी बहुत प्यार से रहना पड़ता है बरसात के टाइम पे। इस चट्टान को भी तोड़ के जेसीबी से थोड़ा छोटा करेंगे वहाँ की। ये देख लो ना, पूरा यहाँ तक निकलिए। सारे के सारे बड़े बड़े बोल्डर्स हैं और ये सब अलग हो चुके हैं ऊपर से निकलेंगे। तो ये घर अगर आप देख सकते हो ना, इसके आगे का पूरा टूट चुका है, और इसके नीचे जितने भी घर थे वो सब ऐसी कंडीशन में जीने के लिए मजबूर हैं। और ज़्यादातर लोग घर छोड़ के जा चुके हैं जहाँ तक है। बाकी बहुत ही स्केरी से है ना, नेवर हर्ड नेवर सीन टाइप। और यहाँ के घर देख लीजिए, याला घर देख लीजिए, याला पूरा छत पे मलबा पड़ा है, उसके नीचे वाला घर। ये सब लोग यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं। बाकी वो स्कूल दिख रहा है ना नीचे, ये स्कूल है, ये पूरा का पूरा मलबा, पूरा स्कूल टूट चुका है। अभी तेज़ी से काम चल रहा है क्योंकि इस बरसात में अब ये लोग काम नहीं करेंगे तो सारे का सारा और चले जाएगा मार्केट में। तो यहीं पर जहाँ पे जेसीबी खड़ी दिख रही है ना आपको, तो यहीं पर वो वाटर टैंक से बड़े बड़े से, तो जहाँ तक अपने को लगता है कि इन वाटर टैंक्स में लीकेज था, तो इस वजह से ज़मीन ने ज़रूरत से ज़्यादा पानी पी लिया। तो उससे क्या हुआ कि जो सॉइल थी वो एकदम से मतलब गीली हो गई ना, तो मिट्टी ने ज़्यादा पानी पी लिया, तो वो दरारों से एकदम से लीक टाइप की हो गई। जैसे पानी लीक होता है ना, तो जब मिट्टी ज़्यादा पानी पी लेगी तो कीचड़ बन जाती, तो वो लीक हो गई और सारा ही निकल गया। बाकी लोग वाटर लेवल चेक कर रहे हैं, शायद देख पानी आ ही रहा है। तो सही है, ये थे वो पुरानी वाटर टैंक जो यहाँ पे बना रखे थे, ये और ये दो। और ये मशीन शायद ग्राउंड में वाटर लेवल को चेक करती है, चेक कर रहे हैं कितना नमी है इसमें। बाकी है यार, पानी निकल रहा है अंदर से, निकलना नहीं चाहिए था। और ये यहाँ का सीन, ये पूरा का पूरा निकल चुका है बिल्कुल एंड तक। तो ये हमारे यहाँ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार ना दोस्तों, बरसात में इतना डरावना हो जाएगा ना ये कि। और मेरा घर पड़ता है इसके ही जस्ट, यही जो घर दिख रहा है ना, वो पोल दिख रहा है, उस पोल से थोड़ा नीचे पे। तो ऐसा नज़र आता है ये नीचे से ना, पूरा ऊपर से पूरी लैंडस्लाइड आ रही है वहाँ से ना, ऊपर से जहाँ मैं ऊपर था वहाँ लैंडस्लाइड स्टार्ट हो रही है। और पूरा का पूरा ये नीचे, फिर यहाँ से नीचे मार्केट तक, यहाँ से ये पूरा वो नीचे तक, मतलब हाँ यहाँ से स्टार्ट करनी है इनको वॉल। और देख सकते हो आप इस वॉल की हाइट कितनी ऊँची जाएगी, मतलब अप्रॉक्स ना एक बड़ा सा डैम, बहुत ही बड़ा सा डैम, उतनी बड़ी इनको दीवार देनी पड़ेगी यहाँ पे अगर इनको ये रोकना है तो।